वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पनीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ये पनीर की सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बन जाती है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन ज़रूर से दबाएँ ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सेलफोन पर जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पनीर की सब्ज़ी बनाना। तो पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर पनीर को कटिंग कर लेती हूँ और ये घर की बनी हुई पनीर है, मैं खुद से घर पे बनाई हूँ और इसे मैं मीडियम साइज़ में कटिंग कर लूँगी, ना ज़्यादा छोटा और ना ज़्यादा बड़ा। और ये बहुत ही सॉफ्ट पनीर है, आप देख सकते हैं। तो सारे पनीर को मैं मीडियम आकार में कटिंग कर ली हूँ और अब मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मैं मिला लूँगी और इस तरह से फ्राई करने पर ना एकदम बढ़िया सा स्वाद भी आएगा और कलर भी बढ़िया दिखेगा आपका, इसीलिए थोड़ा कलर बढ़िया सा आ जाए तो ज़्यादा अच्छा भी लगता है और टेस्टी भी लगता है। और यहाँ पर मैं पनीर की ग्रेवी के लिए प्याज और टमाटर ली हूँ, तो यहाँ पर मैं दो प्याज ली हूँ और एक टमाटर ली हूँ। आप अपने ग्रेवी के अनुसार प्याज टमाटर ले सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी बनाना है तो ज़्यादा प्याज और टमाटर ले सकते हैं। और प्याज और टमाटर को अलग अलग ग्राइंडर में इसका पेस्ट बना लें, क्योंकि प्याज अलग से फ्राई करना है और टमाटर अलग से फ्राई करना है, तो इस तरह से आपको इसका पेस्ट बना लेना है। और बाकी के जो मैं मसाले ऐड करूँगी वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पनीर को फ्राई करूँगी, तो यहाँ पर मैं कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई बस बढ़िया सा गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी सरसों का तेल। सरसों का तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो मैं अब वो पनीर इसमें ऐड कर देती हूँ और इसे अच्छा सा मैं फ्राई कर लेती हूँ। आप देखिएगा एकदम बढ़िया सा इसका कलर दिखेगा, रेड रेड काफ़ी अच्छा लगेगा और ये रेड कलर सिर्फ रेड मिर्च के कारण आएगा इसीलिए, और थोड़ी सी नमकीन भी हो जाएगी तो इस तरह से ज़्यादा अच्छा भी लगता है देखने में और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो पनीर का अच्छा सा कलर आ चुका है तो मैं अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो बस अब मसाले को जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल डाल दी हूँ और उसमें डाल दी हूँ जीरा का फोरन और अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से रेड होने तक, ब्राउन होने तक पका लेना है। और दो यहाँ पे मैं तेज़पत्ता ऐड कर रही हूँ ताकि टेस्ट और भी ज़्यादा इससे अच्छा आ जाए। और फिर मैं ग्राइंड किया हुआ यहाँ पे प्याज का पेस्ट डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है, क्योंकि प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना होता है हल्का ब्राउन होने तक, तो मैं इसे ब्राउन होने तक अच्छी तरह से इसे फ्राई करूँगी। प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और यहाँ पे मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ, हल्दी डाल देती हूँ, जीरा पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है और धनिया पाउडर है और साथ ही में सूखी मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो सूखी मिर्च के जगह हरी मिर्च का भी पेस्ट डाल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो डाल सकते हैं, सूखी मिर्च का पाउडर या हरी मिर्च का पेस्ट, दोनों में से कोई भी एक डाल सकते हैं। इन सब को अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद इसमें मैं टमाटर का पेस्ट भी डाल दूंगी और इसे लास्ट में डालना होता है, और फिर से इसे मैं 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से पकाऊंगी जब तक मसाला अच्छी तरह से पक नहीं जाए। और यहाँ पे आपको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो आपका मसाला जल जाएंगे, इसीलिए लगातार चलाते रहें और इसे अच्छी तरह से इस मसाले को आप फ्राई कर लें। तो सारे मसाले यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, किनारे किनारे से तेल भी छोड़ने लगे हैं, तो इसी स्टेज पर मैं यहाँ पर पानी ऐड कर दूँगी ग्रेवी के लिए। तो आपको भी ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए ग्रेवी और ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, तो इतना पानी आपको ऐड करना है इसमें। और उसके बाद मैं यहाँ पर फिर पनीर ऐड कर देती हूँ जो फ्राई करके रखी थी। तो ग्रेवी के लिए पानी डालने के बाद मैं यहाँ पर गरम मसाला भी ऐड कर दूंगी ताकि टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा है, तो लास्ट में गरम मसाला डालना होता है और इसे मैं 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पका लूँगी। यहाँ पर आप हाई फ्लेम पर इसे पका सकते हैं और इसे अच्छी तरह से उबाल आने पर ही इसे बंद करें। तो पनीर की सब्ज़ी हमारी बन चुकी है और यहाँ पर मैं गैस को ऑफ कर दूँगी और फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो इस ग्रेवी वाली पनीर को सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। अगर आपको जल्दी से भूख लगती है तो आप इस तरह की सब्ज़ी बना के घर पे खा सकते हैं। तो आप घर पे बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से रेसिपी के साथ। तो अभी के लिए बाय।